दोस्तों नमस्कार, मैं मार्गेश, आप देख रहे हैं फ्लूट गुरुजी। स्वागत है दोस्तों आपका आज फ्लूट गुरुजी के एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों एक सवाल जो हमको पूछा है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। वो पूछते हैं कि जब आप फ्लूट बजाते हैं तो बैकग्राउंड में एक साउंड बजता है कंटिन्यूसली, तो वो साउंड क्या है? तो बहुत ही सिंपल आंसर इसका, हम बजाते हैं बैकग्राउंड में तानपुरा। अब तानपुरा बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि क्लासिकल जब सिंगिंग होती है तो क्लासिकल सिंगर के पीछे एक व्यक्ति बैठा होता है एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट लेकर, और वो ऐसे तार को टच करते हुए एक साउंड क्रिएट करता है, तो वो एक ऐसा एम्बियंस बनता है बैकग्राउंड में। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको हम कहते हैं तानपुरा, और वो सेम तानपुरा हम क्लासिकल सिंगिंग में जो बजता है फ्लूट के वक्त भी यूज़ करते हैं। अब मेरे पास वो बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, पर मेरे पास है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा जो कि सेम काम करता है उस अकोस्टिक तानपुरे के जैसा ही। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है हमको वो ट्यून करना पड़ता है हमारे फ्लूट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरे पास है ये सी की फ्लूट, तो मैं क्या करूँगा तानपुरे पर, इस इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे पर वो सी फ्रिक्वेंसी सेट करूँगा, और आप देखेंगे ये एक ऐसा साउंड आ रहा है, राइट। तो ये जो बैकग्राउंड में साउंड बजता है ये आप सुनते हैं हमारे वीडियोज़ में, तो ये तानपुरे का साउंड है। अब आप ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेस कर सकते हैं, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और साथ में कुछ फाइल्स अवेलेबल है यूट्यूब एंड ऑनलाइन भी काफ़ी फाइल्स अवेलेबल है। आप अगर फ्री में डाउनलोड करना चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। पर तानपुरे पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए फ्लूट की, तो आप बहुत ही अच्छे से सुर में बजा पाएंगे बांसुरी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।